एक क्वेश्चन दिया गया है पाइथन में कि आपको पुश नाम का एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो फंक्शन बनाने के लिए हम डेफ कीवर्ड लिखते हैं, और डेफ कीवर्ड लिखने के बाद हम जो भी उसके अंदर पैरामीटर पास करना है या जो चीजें देनी है वो दे करके फिर फंक्शन को डिफाइन करते हैं और फिर कॉल करते हैं फंक्शन को, और इस तरह की चीजें होती हैं, तो फिर हमारा फंक्शन बनता है, ठीक है। और वो फंक्शन जो है जिस हिसाब से उसे डिफाइन किया जाता है उसी हिसाब से काम करता है। तो आज का सवाल ये है कि एक पुश नाम से फंक्शन बनाना है, ठीक है। आपके पास एक एम्प्टी स्टैक होगा और पुश नाम से फंक्शन बनेगा, और उस पुश फंक्शन से बहुत सारी चीजें इंसर्ट होती चलेंगी उस पर्टिकुलर जो आपका लिस्ट होगा या जो कुछ भी होगा स्टैक होगा उसमें जो है चीजें इंसर्ट होती चलेंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे पाइथन के ऊपर, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले पाइथन को ओपन करते हैं। तो ये पाइथन की ट्रेडिशनल आइडियली है हमारे पास, इसी को ओपन कर लेते हैं और इसी पर हम कोडिंग करके देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो यहां से फाइल पे जाके न्यू फाइल ले लेते हैं और अब यहां पर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, डेफ लिखेंगे। तो यहां लिख लेते हैं डेफ, ठीक है। और ये चीज ध्यान दीजिएगा कि डेफ का डी स्मॉल रहना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर पुश नाम से फंक्शन बनाना है, तो ये पुश नाम से फंक्शन बनाया हमने, और एक हम बना लेते हैं स्टैक नाम से, ठीक है, और दूसरा बनाएंगे एलिमेंट नाम से, ठीक है। तो एक हो गया स्टैक और दूसरा यहां पर हमने एलिमेंट बना लिया। और जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो यहां कॉलन लगाना जरूरी होता है, ये तो पता ही है। अब यहां पर स्टैक डॉट एलिमेंट लिखते हैं, स्टैक डॉट एलिमेंट इस तरीके से। और जैसे ही स्टैक डॉट एलिमेंट हम यहां पर क्या करेंगे, स्टैक डॉट अपेंड लिखेंगे। अपेंड क्या करता है, पुश करने का काम करता है। भले ही हमने पुश फंक्शन यूज किया लेकिन अपेंड कराने के लिए इसमें हम अपेंड ही लिखते हैं, ठीक है। और हमें इसमें एलिमेंट्स को अपेंड कराना है, ठीक है। तो यहां पर एलिमेंट हम डाल देंगे, इसके अंदर जो पैरामीटर है इसमें हम एलिमेंट रखेंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब एक हमें एम्प्टी स्टैक बनाना है, क्लियर। तो एम्प्टी स्टैक कैसे बनेगा, तो एम्प्टी स्टैक बनाने के लिए यहां लिखेंगे माई अंडरस्कोर, कोई भी एक नाम दे देंगे, ठीक है। माई अंडरस्कोर एस लिख दिया हमने, तो माई एस जो है एक तरह का ये स्टैक है और ये एम्प्टी स्टैक है। एम्प्टी मतलब ये देखिए, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये खाली है, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, एम्प्टी स्टैक। क्या बोलेंगे, एम्प्टी स्टैक बोलेंगे। तो यहां पर देखिए मैंने मेंशन भी कर दिया है कि ये क्या है, एम्प्टी स्टैक है, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहां पर पुश कराना है। तो ऊपर जो पुश फंक्शन हमने यूज किया है उसी की मदद से सारी चीजें इसमें पुश होती चलेंगी, ठीक है। तो यहां लिखेंगे पुश, पुश लिख दिया। पुश लिखने के बाद यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमने बनाया है माई एस बनाया है ना, तो माई अंडरस्कोर एस लिखेंगे और फिर क्या करना है, कॉमा लगाना है और इसके अंदर क्या देना है। तो पहले हम यहां पर देना चाहते हैं एक बुक का नाम, तो चलिए यहां पे दे देते हैं पाइथन। तो ये पाइथन एक बुक का नाम हो गया, अब इसको बंद कर देंगे, बंद कर दिया। फिर एंटर करके नीचे आएंगे, जैसे नीचे आते हैं तो फिर यहां पुश कराएंगे, ठीक है। पुश फंक्शन का यूज कर रहे हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ऊपर यहां पे क्या दिया हमने, स्टैक डॉट अपेंड, अपेंड और क्या अपेंड कराएंगे, तो एलिमेंट में, ठीक है। तो पहले तो माई एस जैसे के तैसे यहां पर जो बनाया हमने माई एस, वो जैसे है वैसे हमने लिख दिया, ठीक है। और माई एस जो हमारा स्टैक है उसके अंदर पहले पाइथन आएगा, ठीक है। फिर यहां पर करते हैं माई अंडरस्कोर एस, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहां पर देखिए यहां पर मैं कर देता हूं जावा, तो अब जो स्टैक है उसमें जावा आएगा, ठीक है। तो दो एलिमेंट्स इसमें ऐड हो गए, मतलब दो चीजें इसमें ऐड कर दी गई, ठीक है। अब यहां पर फिर पुश का यूज करते हैं, तीसरी बार ऐड करते हैं, तो यहां पर फिर लिखते हैं माई अंडरस्कोर एस, ठीक है। और माई अंडरस्कोर एस लिख करके फिर यहां पर डबल डॉट कॉमा ओपन करेंगे, और इस बार क्या करेंगे, इस बार हम यहां पर दे देते हैं कॉटलिन, तो ये कर दिया कॉटलिन, तो यहाँ पे कॉटलिन भी ऐड हो जाएगा। अब इसको बंद करेंगे, और बंद करके अब इसको चलाने की बारी है, यानी अब हम प्रिंट का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर एंटर करेंगे और लिखेंगे प्रिंट, पी आर आई एन टी, ये हो गया प्रिंट। ब्रैकेट को ओपन किया, और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद माई एस यहां पर दे देंगे, तो माई एस को प्रिंट करवा देते हैं, क्या दिक्कत है। और यहां पर जब प्रिंट करवाएंगे तो क्या क्या आएगा, पहले आएगा पाइथन, मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख भी देता हूँ क्या क्या आएगा। तो पहले पाइथन आएगा, फिर क्या आएगा, फिर दूसरे में आएगा जावा, तो यहां पे दूसरे में जावा आएगा, फिर तीसरे में क्या आएगा, तो तीसरे में आएगा कॉटलिन, तो के ओ टी एल आई एन कॉटलिन हो गया। तो इस तरीके से चीजें आएंगी, ठीक है। अब F5 करिए, एंटर करिए, और एंटर करने के बाद यहां पर क्या करना है, यहां पर जो भी है यहां पर नाम, मैं यहां पर एस डबल टी इस तरीके से इस नाम से सेव कर देता हूं। और जैसे ही हमने सेव किया तो देखेंगे तो यहां पर चीजें जो है इसमें